मैकलोड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा पुलवामा आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए देश के 40 सीआरपीएफ के जवानों के परिवारों को 2 करोड़ रुपए जारी किए गए। जिस कड़ी के तहत कल उक्त कंपनी ने 29वें शहीद के परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया। कंपनी द्वारा रूपनगर जिले के गांव रौली के शहीद कुलविंदर सिंह के पिता दर्शन सिंह रौली को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का चेक दिया गया। इस मौके रौली में मुंबई से विशेष तौर पर पहुंची कंपनी के सहायक जनरल मैनेजर रजनीश छत्री, सीआरपीएफ पिंजोर के डिप्टी कमांडेंट मैडम शोभा रावत, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीआईजी की पत्नी मैडम सुरिंदर कौर और अन्य शख्सियतें उपस्थित थी। के जिस दिन यह मंदभागा एक साका होया है, उस दिन साडे चेयरमैन साहब ने डिसाइड किया कि जिन्हें भी परिवार ने, क्योंकि देखो शहीद होए साढ़े जवान, पर सब तो बड़ी कुर्बानी तो साढ़े शहीदा के परिवार ने दी। नुकसान तो उन्होंने होया, जिंदगी गुजर बजर करनी उन्होंने वास्ते ही सब तो मुश्किल होएगी अगे जाके। इस करके सब तो बड़ा डिसीजन साढ़े चेयरमैन साहब श्री बी एल बाबरी साहब ने यह लिता कि कंपनी वालों 5-5 लाख रुपए का 40 के 40 परिवारों को दिता जाएगा। टोटल 2 करोड़ रुपया उन्होंने रिलीज किया। तो अज असी यह 29वां परिवार है जिदे कोल आए हाँ। असी पहला 28 परिवारों को जा चुके हाँ हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने दे विच, ते अज असी उन्हां वल्लों आए हाँ। ये साड़ी बहुत बड़ा है कि असी इहदे विच शरीक हो सके, कुछ कर सकीए, ते अगे भी असी अपने आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे रहांगे। Addressing this letter to you, Mr. Kulvinder Singh has served the nation with great honor and pride. Supreme sacrifice made by him in Pulwama carnage will go down in history of our country as a depiction of valor and gallantry. Whole nation stands today united to pay our tributes to him and other members of CRPF who laid down their lives on the fateful date of 14th February 2019. While nation has lost a gallant hero, we also understand that your loss is irreparable and no words can heal your wounds. We, the team of McLeod's Pharmaceutical Limited, in all our unanimity, express our sympathies to the family members of martyrs of Pulwama. On the fateful day, our company announced an ex gratia amount of 5 lakh to each of next of kin of family member who lost their dearest member while defending our country.